Welcome students. Today we are going to discuss about SQL commands and specifically we shall discuss about DML and DCL commands and then hands on with DML and DCL. The mode of communication and discussion about these commands shall be bilingual that is both in Hindi and English. So let's start. First of all, SQL recap. आपने पिछले लेक्चर्स में एसक्यूएल के बारे में पढ़ा होगा जिसमें आपको बताया गया होगा कि एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसके अलावा आपको बताया गया होगा कि एसक्यूएल एसक्यूएल कमांड्स आर आर इंस्ट्रक्शंस कोडेड इन स्टेटमेंट्स टू कम्युनिकेट डाटा बेस और टू क्रिएट और एडिट डाटा बेस इस लाइन का मतलब ये है कि एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली एक इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि यूज की जाती हैं किस काम के लिए डाटाबेस को या तो बनाने के लिए या तो डाटाबेस को एडिट करने के लिए या फिर डाटाबेस से कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए तो इसके अलावा आगे जानते हैं एसक्यूएल कमांड्स के बारे में आपने पहले के लेक्चर में एसक्यूएल कमांड्स के बारे में थोड़ा सा यह भी पढ़ रखा होगा कि जो एसक्यूएल कमांड्स हैं वो कितने प्रकार तो के होती हैं तो डायग्रामेटिकली आपको सामने बताया गया है कि एसक्यूएल कमांड्स जो हैं वो चार मेन प्रकार की होती हैं, जिनमें मुख्य जो टाइप्स हैं जो आपके सामने हैं फर्स्ट है डीएमएल दूसरा है डीडीएल, तीसरा है डीसीएल, चौथा है टीसीएल। डीएमएल का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीडीएल का मतलब होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीसीएल का मतलब होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज फर्दर इन जो ये जो कमांड्स के टाइप्स हैं इनके आगे सब एग्जांपल्स या सब टाइप्स हमारे पास हैं अपडेट डिलीट वैसे डी के लिए क्रिएट ऑल्टर ड्रॉप ट्रंकेट वैसे डीसीएल के लिए ग्रांट रिवोक वैसे टी के लिए सेव पॉइंट रोल बैक और कॉमिट तो ये कुछ एक बेसिक टाइप्स हैं जो कि आप आने वाले अभी स्लाइड्स में स्टडी करेंगे जिनमें लेकिन आज हम जो मेनली स्टडी करने वाले हैं वो है हमारे पास डीएमएल और डी तो आइए आगे कमांड्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एग्जाम्पलीफाई करना चाहूंगा ताकि आपको बेटर समझ आ सके आपने अपने डेली लाइफ में देखा होगा कि लोग अपने घरों में कोई भी सामान बनाते हैं और बाद में उसको मार्केट में जाकर बेचते हैं कुछ इस तरह से प्रक्रिया चलती है इंडस्ट्री में भी कुछ इस तरह से काम चलता है हमारी चाहे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या होता है कि लोग जो हैं अपने आप चीजों को डेवलप करते हैं चाहे वर्कर्स हैं वो लोग चीजों को डेवलप करते हैं उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद वो चीजों को वेयर हाउस में यानी कि स्टोर हाउस में भेज देते हैं जहाँ पर ये सारा जो सामान है स्टॉक के फॉर्म में इकट्ठा करके रखा जाता है चाहे कई बार डायरेक्टली इसको वेयर हाउस भेजा जाता है कई बार उसको जो है शोरूम में डायरेक्टली भेज दिया जाता है और उसके बाद क्या होता है उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं यूज़र या फिर जो इन जो कस्टमर्स हैं वो अपने हिसाब से जो है चीज़ों को परचेज करते हैं उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसकी सिलेक्शन इसकी सॉर्टिंग वो अपने आप अप खुद करते हैं तो इस पूरी स्टोरी को आपको बताने का मेरा जो पर्पस एजेंडा है वो ये है कि जिस तरह से हमारे डे लाइफ में जो है हम चीज़ों को पहले क्रिएट करते हैं फिर उसको स्टोर करते हैं और बाद में उसको डिस्प्ले करते हैं और डिस्प्ले करने के साथ साथ यूज़र उन सुविधाओं का उन एप्लीकेशंस का जो कि उसको वेयर हाउस के थ्रू प्रोवाइड करवाई गई उसका वो इंजॉय करता है उसका वो आनंद लेता है तो इसी तरह से हमारा कहीं ना कहीं डाटा बेस का काम भी चलता है उसमें होता क्या है कि पहले डाटा बेस को क्रिएट किया जाता है फिर डाटा बेस को स्टोर किया जाता है और उसके बाद जो है थर्ड स्टेप में यूज़र के पास उसको यूज़ करने के लिए भेज दिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे पास देखिए यहाँ पर अगर इन, मैं इन दो लेवल्स की बात करूँ एक लेवल अपर है एक लेवल लोअर है जो ये वाला है तो अपर लेवल पे जो है इनमें बेसिकली डाटा बेस क्रिएट हो रहा है या फिर डाटाबेस की मैनेजमेंट की जा रही है तो बेसिकली ये सारा जो काम है अगर हम एग्जाम्पलीफाई अपने तरीके से करना चाहूँ इसको जिस तरह से यहाँ पर ये आ, सामान को बनाया जा रहा है सामान को रखा जा रहा है अगर इसी को मैं एग्जाम्पल फैट पार विध डाटाबेस करूं तो डाटाबेस को यहां पर बनाया जाता है डाटाबेस को यहां पर रखा जाता है और बाद में जैसे सामान को यूज किया जा रहा है वैसे ही डाटाबेस को यूजर जो है यूज करता है तो कहीं ना कहीं दो लेवल हैं एक क्रिएशन के और एक यूज के जो क्रिएशन का लेवल है अपर लेवल है दैट इज कॉल्ड एज जिसको हम कह सकते हैं बैक और जो लेवल यूज का है जो कि बेसिकली एप्लीकेशन की फॉर्म में फ्रंट में यूज़ किया जाता है उसको कह सकते हैं हम फ्रंट एंड बैक एंड में चीजें बनाई जाती हैं चीज़ों को संभाल कर रखा जाता है स्टोर किया जाता है ताकि फर्दर यूज में लाई जा सके और बाद में फ्रंट एंड पर जो है उन चीजों को डिस्प्ले करवा कर यूजर जो है या फिर जो कस्टमर है उनका जो आनंद लेता है उनके अकॉर्डिंग जो है वो उसकी यूजिबिलिटी डिफाइन करता है तो कहीं ना कहीं डाटा का कंसेप्ट जो है हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं लिया गया है डेली लाइफ से रिलेटेड है तो इस तरह से हम डाटा बेस को बेटर समझ सकते हैं कि डाटा बेस बेसिकली होता क्या है डाटा बेस कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा या इंटर रिलेटेड डाटा वैसे ही अगर मैं यहाँ वेयर हाउस की बात करूँ तो वेयर हाउस एक डाटाबेस का स्टोर है बहुत बड़ा स्टोर है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है डाटा को संभालने का काम कर रहा है तो एक प्रकार से जिस तरह से हम चीजों को संभाल कर वेयर हाउस में रखते हैं वैसे ही डाटा को संभाल कर इंटरलेट करके रखा जाने का काम कहा होता है डाटा के अंदर होता है और बाद में जिस तरह से वेयर हाउस की चीज़ें जो हैं यूजर के पास कस्टमर के पास शो करने के लिए उसके द्वारा परचेज किए जाने के लिए भेजी जा रही हैं वैसे ही डाटाबेस के अंदर जो डाटा होता है उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर जो है फ्रंट एंड पर जो है यूजर उसको एक्सेस करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी जो जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से डाटा को वो डिफाइन करता है डाटा को यूज करता है तो कहीं ना कहीं डे लाइफ का जो बैक एंड और फ्रंट एंड है वही डाटा बेस का बैक एंड और फ्रंट एंड हमारे पास होता है तो इस तरीके से आप डाटाबेस के कंसेप्ट को बेटर तरीके से समझ पाएंगे लेकिन अभी जो हमने स्टडी करना है वो बेसिकली बैकएंड का पोर्शन ही करना बिकॉज हम डाटा की ही बात कर रहे हैं और एसक्यूएल कमांड जो है बेसिकली डाटाबेस के बैकएंड एंड में आ, काम आती है डाटा बेस के डाटा को डिफाइन करने के लिए टेबल को डिफाइन करने के लिए क्योंकि डाटाबेस में मेनली हम क्या करते हैं हम जो है टेबल्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम टेबल को क्रिएट करना पड़ता है डाटाबेस के अंदर फिर उसको मैनुपलेट करना पड़ता है उसको कंट्रोल भी करना पड़ता है और इसके अलावा कई सारी और चीजें जो है इसमें डाटा बेस के अंदर ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं तो आइए आगे थोड़ा सा और जान लेते हैं बैकएंड जैसे मैं अभी आपको बता रहा था बैकएंड में बेसिकली क्या होता है बैकएंड में डाटाबेस को मैनेज किया जाता है और बाद में फ्रंट एंड पे क्या चीज होती है फ्रंट एंड पे जो हमने बैकएंड पे बनाया उसको डिस्प्ले करवाया जाता है यूज़र की एबलेबिलिटी के लिए बट यूज़र अपने हिसाब से जो है क्या करता है अपने डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है फॉर एग्जांपल अभी आजकल हाल हाल ही में जो है हमारा जो हिमाचल प्रदेश स्टेट है वहाँ पर स्वयं सिद्धम हिमाचल प्रदेश नाम से जो है एक पोर्टल बना हुआ है जिसके अंडर जो ज्ञानशाला प्रोजेक्ट लॉन्च है इस ज्ञानशाला प्रोजेक्ट में बेसिकली है कि आप सभी बच्चे इसमें पढ़ भी रहे होंगे कि इसमें जो है बेसिकली वीडियोज आपको एक्सेसिबल होती है वीडियोज आपको देखने को मिलती है आप किसी प्रकार के वीडियो को जो है एक्सेस कर सकते हैं लेकिन फ्रंट पे जो आपको ये वीडियो प्रोवाइड की जा रही है तो बेसिकली वीडियो को कैसे मिल रही है क्योंकि बैक एंड पे वो वीडियोज कहीं ना कहीं स्टोर की गई है डाटा की फॉर्म में और आपको उसका जस्ट एक आगे को फ्रंट में एक लिंक दे दिया गया है जिसको यूज करके जो है आप बैकेंड के डाटा बैकेंड के वीडियो को जो है एक्सेस कर सकते हैं तो फ्रंट एंड का, का काम तो कुछ और है लेकिन जो बैक एंड में डाटा को मैनेज करना है डाटा को स्टोर करना है आपके वीडियोज जो आप देखते हैं उनको स्टोर करना है उनको मैनेज करना है ये सारा काम कहाँ पर होता है बैक एंड में यानी कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में तो कहीं ना कहीं बैकएंड जो है वो बहुत जरूरी है बिकॉज फ्रंट एंड का जो उपयोग है वो आप तभी कर पाएंगे जब बैकएंड में कुछ होगा यानी कि जिस प्रकार से वेयर हाउस में कोई चीज पड़ी होगी स्टोर हाउस में कोई चीज पड़ी होगी तभी तो वो फ्रंट पे शॉप पे यूजर के डिस्प्ले के लिए सामने लाई जाएगी अदरवाइज वो शॉप पे डिस्प्ले क्या करेंगे तो कहीं ना कहीं बैकेंड का एक बहुत बड़ा रोल रहता है हमारे डाटा को डिस्प्ले करवाने में हमारे डाटा को मैनेज करने के लिए ताकि यूजर अपने सुविधा के अनुसार जो है डाटा को एक्सेस कर सके अपने सुविधाओं के हिसाब से और अपने यूजेज के हिसाब से तो मैं अगर बात करूं डाटा बेस के बारे में तो सबसे पहले हम डाटा बेस को क्रिएट करते हैं या फिर डिफाइन करते हैं डाटा बेस को उसके बाद डाटा बेस को मैनुपलेट भी किया जा सकता है उसके बाद डाटा बेस की ट्रांजेक्शन को कंट्रोल भी किया जा सकता है और उसके बाद डाटा को भी कंट्रोल किया जा सकता है तो ये चार प्रकार के बेसिक स्टेप्स हैं जो कि डाटाबेस के अंदर जब हम एसक्यूएल को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे को बेसिकली चार प्रकार के स्टेप्स से ही गुजरना पड़ता है अलग अलग तरीके से कभी हमें डाटा को क्रिएट करना होता है कभी डाटा को मैनुपलेट करना होता है कभी डाटा के ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करना होता है और कभी डाटा को कंट्रोल करना होता है और हमारे जो डे लाइफ में हमारे जिस मैंने आपको वेयर हाउस का एग्जांपल दिया था उसमें बेसिकली क्या होता है कि पहले हम सामान को बनाते हैं चीज़ों को बनाते हैं फिर उसमें कुछ काट छाँट करते हैं कि ये डालना है ये नहीं डालना है स्टोर हाउस में इसको रखा जाएगा इसको नहीं रखा जाएगा और उसके बाद अगर गलती से आ, कोई चीज़ जो है गलत डल गई है सामान में तो आप क्या करते हैं उसको सामान को आगे भेजने से रोक देते हैं यानी कि कंट्रोल कर देते हैं और कई बार आपको लगता है कि नहीं ये जो इसका जो सामान है इसका जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको हमें चेंज ही करना पड़ेगा या इसके चीज़ों को ट्रांजेक्शन को हमें या इसके डाटा को जो है हमें बदलना ही पड़ेगा तो हम उस प्रकार से हम क्या करते हैं हम उसको पूरे के पूरे सामान को भी चेंज करने की या फिर उसको रोल बैक करने की कोशिश जो यहाँ पर करते हैं तो अलग अलग प्रकार से वैसे ही डाटाबेस में क्या होता है कि हम जो टेबल्स हैं उसको पहले क्रिएट करते हैं डाटाबेस को भी क्रिएट करते हैं फिर टेबल्स को मैनुपुलेट भी कर सकते हैं आप उसमें इन्जर्ट कर सकते हैं कुछ डिलीट कर सकते हैं वैसे ही डाटाबेस के ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो है डाटा कंट्रोल लैंग्वेजेस का मैकेनिज्म होता है जिसमें आप बेसिकली हम डाटा बेस को कंट्रोल करने के लिए डाटा बेस ट्रांजेक्शन्स को प्रिविलेज प्रोवाइड करने के लिए कॉमे सॉरी इसमें जो हमारे पास दो कमांड चलती हैं ग्रांट और रिवोक वो हम इसमें प्रोवाइड करते हैं डाटा को कंट्रोल करने के लिए हम कॉमे रोल बैक जो है अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इससे आपको पूरा समझ आएगा कि बेसिकली डाटा बेस में एक्चुअल में जो फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं अलग अलग प्रकार से वो किस तरीके से मैनेज होते हैं तो ये चारों जो कमांड्स हैं कहीं कही ना कहीं हमारे को कई बार इकट्ठे भी यूज करने पड़ते हैं कई बार हमारे को जो है सिंगली भी यूज करने पड़ते हैं तो आइए आगे जानते हैं जैसा पिछला डायग्राम हमने देखा उसी के हिसाब से मैं आपको अगला डायग्राम यहां पर आइडेंटिफाई करवाने जा रहा हूँ जब फर्स्ट हमारा क्रिएशन ऑफ डाटा बेस था क्रिएशन ऑफ टेबल था उसमें बेसिकली हम जो डीडीएल कमांड्स जो है उपयोग में लाते हैं यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डाटा को डिफाइन करना उसके बाद मैनिपुलेट करने के लिए डीएमएल कमांड्स उपयोग में जाती है यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज उसके बाद ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और उसके बाद डाटा को कंट्रोल करने के लिए डाटा कंट्रोल लैंग्वेज तो ये अलग अलग प्रकार के एसक्यूएल जो हमारे पास स्ट्रक्चर लैंग्वेज है उसके अंदर जो है बेसिकली ये चार डिफरेंट कैटेगरीज के कमांड जो है यूज में आती हैं तो हमें बेसिकली डाटा को मैनेज करने के लिए यही कमांड जो है स्कूल के अंदर उपयोग में लानी होती हैं और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बेसिकली हम डीएमएल और डीसीएल कमांड जो है ये दोनों स्टडी करेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और डाटा कंट्रोल लैंग्वेज तो स्टडी करते हैं पहले डीएमएल के बारे में सबसे पहले है डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज डाटा लैंग्वेज के बारे में तो, कमांड्स की, की वो कैटेगरी जो कि डील करती है डाटा के मैनुपुलेशन से और वो डाटा कौन सा जो की डाटा बेस में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं डाटा मैनुपुलेशन लैंग्वेज अगर हम थोड़ा और आगे जाएज एसक्यूल कमांड्स आर यूज फॉर रिट्रीविंग, इंसर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग द डाटा जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो आपने डाटा बेस बना दिया आपने टेबल बना दिया जिसके अंदर आपने मल्टीपल कॉलम्स में डाटा रख दिया है ठीक है लेकिन बाद में फ्रंट एंड से उस डाटा को रिट्रीव करवाना उस डाटा को सामने लाना आप उस डाटा से कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या फिर आप कुछ नया डाटाबेस में कुछ नया इन्जर्ट करना चाहते हैं आपको लगता है कि आपका एक रो छूट गई है डाटा एंटर करने से आप उसको इंजर्ट भी कर सकते हैं आप डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं आप डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं जो कि डाटा के अंदर होता है तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म किस तरीके से होती हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की हेल्प से अब इसके एग्जाम्पल जो हमारे पास है वो कौन कौन से हैं तो वो है सेलेक्ट कमांड इनजर्ट कमांड अपडेट कमांड डिलीट कमांड सेलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव द डाटा इन कमांड इज यूज फॉर इन द डाटा अपडेट कमांड फॉर मॉडिफाइंग एंड डिलीट कमांड फॉर डिलीटिंग द डाटा तो ये कुछ एक बेसिक मैनुपलेन लैंग्वेज के कमांड्स हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं डाटा को मैनुपलेट करने के लिए तो आइए आगे जानते हैं इन कमांड्स के बारे में सबसे पहले है सिलेक्ट कमांड सिलेक्ट कमांड इट इज यूज टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटा बेस यानी कि डाटा बेस से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना और फ्रंट एंड पर यूजर को शो करना इसके लिए जो है आप जो है सिलेक्ट कमांड या सिलेक्ट क्वेरी का उपयोग करते हैं डाटा बेस के अंदर और इसके बारे में थोड़ा और जाने तो जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया था ये जैसे यहाँ पर ये यूजर है ये कस्टमर है दुकान का तो ये क्या कर रहा है अपनी सुविधा के हिसाब से चीजें सिलेक्ट कर रहा है और जो इसको लगता है कि मैंने को मेरे को ये चीज़ चाहिए उसको गेट कर रहा है तो वैसे ही आप अपने जैसे डेली लाइफ में ये काम करते हैं वैसे ही आपने अगर बाई चांस अपना वेयर हाउस कोई बना रखा है आपने एक डाटा बेस कोई बना रखा है आपको लगता है कि मुझे अभी स्टूडेंट डाटा बेस के अंदर जो है मुझे रोल नंबर चेक करने हैं तो आप स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करेंगे अब बाकी डाटा से आपको कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपको चाहिए नहीं तो आप सिलेक्ट कमांड की सहायता से रोल नंबर का डाटा जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं फैच कर सकते हैं वैसे ही आपको लगता है कि मुझे रोल नंबर और क्लास दोनों डाटा चाहिए आप दोनों चीजें उठा सकते हैं इकट्ठे अच्छे डाटा के अंदर तो ये अलग अलग प्रकार के चीजें हैं कि अलग अलग प्रकार की क्वेरीज हैं सिलेक्ट के अंदर ही सिलेक्ट कमांड के अंदर जिनके हेल्प से आप जो है डाटाबेस को फेच कर सकते हैं अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल रोज या फिर आपको सारे ही कॉलम सारे ही रोज जो डाटाबेस के अंदर हैं, टेबल के अंदर है वो सारे ही देखने हैं तो आप उसमें सिलेक्ट का एक और वेरिएंट आता है सिलेक्ट स्टार करके आप उसको जो है फर्दर यूज में ला सकते हैं जिनको हम आगे आने वाले टाइम में अभी देखेंगे सिंटेक्स ऑफ सिलेक्ट कमांड अगर सिंटेक्स की बात करें तो लिखा कैसे जाता है सिलेक्ट कमांड को सिलेक्ट लिखा जाता है पहले की वर्ड फिर लिखा जाता है कॉलम नंबर वन कॉलम नंबर टू और ये कॉलम वन कॉलम टू जो है ये बेसिकली के जो टेबल उनके कॉलम्स है जिनको आप फैच करना चाहते हैं फ्रॉम किससे फैच करेंगे टेबल से फैच करेंगे तो टेबल का नाम लिखा जाएगा तो यानी कि सिलेक्ट जो है वो क्वेरी है और फ्रॉम एक क्लॉज है जो कि आपको टेबल का नेम प्रोवाइड करता है कि टेबल का नेम कौन सा है उसी हिसाब से तो टेबल नेम को इंसर्ट करने के बाद जब हम स्क्वायरी को आगे चलाते हैं तो इसमें जो आपके पास चीजें आ रही हैं कॉलम वन कॉलम टू और टेबल नेम जो कि आपको जानना जरूरी है तो ये बेसिकली होता क्या है इसमें और जो कॉलम वन कॉलम टू हैं आर द फील्ड्स ऑफ द टेबल जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया और वैसे ही टेबल नेम जो है वो उस टेबल का नाम है जो कि आपने क्रिएट किया हुआ है जहाँ से आपने डाटा को फैच करना है या फिर रिट्रीव करना है तो ये बेसिक इंटेक्स है प्रैक्टिकली भी बताया जाएगा कैसे आप इसको यूज करते हैं इसके बाद जो सेलेक्ट कमांड टू फैच द डाटा फ्रॉम द एंटायर टेबल और फील्ड अगर हमने डाटा को जो फेच कर रहा है वो हमने सारे ही टेबल को या सारे ही फील्ड्स को फेच कर लेना है सारे फील्ड हम चाहते हैं कि डिस्प्ले हो सामने फ्रंट पे तो उसके लिए आपको स्पेशल क्वाइरी लिखनी पड़ती है अलग से जिसका टाइटल रहता है जिसका तरीका रहता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल साथ में semicolon, कि आपने करना क्या होता है कि पहले आपने सेलेक्ट स्टार लिखना होता है और उसके बाद फ्रॉम क्लॉज लगा के टेबल का नाम जिस टेबल से आप जो हैं पूरे के पूरे फील्ड्स पूरे के पूरे जो टेबल का स्ट्रक्चर है टेबल का पूरा डाटा है उसको आप फेच करना चाहते हैं उसके लिए इसमें अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट कमांड आती है इन्जर्ट कमांड इंजर्ट कमांड का बेसिकली काम क्या है ये डाटा को इन्जर्ट करने में हेल्प करती है अगर आप कोई नया डाटा इंजर्ट करवाना चाहते हैं अपने डाटा के अंदर तो उसके लिए आपको जो है इनजर्ट कमांड काफी हेल्पफुल रहती है इन्जर्ट इंटू स्टेटमेंट जो है वो यूज की जाती है इन्जर्ट कमांड की कैटेगरी के अंदर ही जो कि आपके नई रो टेबल के इन्जर्ट करने में हेल्प करती है अगर सिंटेक्स की बात करें इन्जर्ट कमांड की तो इन्जर्ट इंटू टेबल नेम यानी कि आप सिंपल क्या लिखेंगे इंजर्ट इन टू फिर लिखेंगे उस टेबल का नाम उसके बाद वैल्यूज आप कौन कौन सी वैल्यू इंजर्ट करवाना चाहते हैं वैल्यूज वैल्यू 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 सो टू और साथ में semicolon. जब भी किसी क्वेरी का जब भी किसी प्रॉपर कमांड का जो क्वेरी लास्ट में लगती है आपको सेमिकॉरन जरूर लगाना है इसका खास ध्यान रखेंगे इसमें जो टेबल का नाम है वो बेसिकली टेबल नेम जो पर ये मेंशन है बेसिकली वही चीज है नेम ऑफ द टेबल है और वैल्यू वन वैल्यू टू वो वैल्यूज हैं जो कि आप नए रिकॉर्ड की वैल्यूज डालना चाहते हैं लेकिन कई बार होता है ये तो वो सिंटेक्स है कि जब आपने सारे ही कॉलम्स की वैल्यू को इंजर्ट करना तो उसके लिए आपको डायरेक्ट पता है की वैल्यू वन जो है वो कॉलम वन के कारस्पॉन्डिंग आएगी वैल्यू टू कॉलम टू के हिसाब से आएगी वैल्यू थ्री कॉलम थ्री के हिसाब से आएगी लेकिन अगर बाई चांस आपको ऐसा लगे कि मैंने सिर्फ एक के दो कॉलम वैल्यू डालनी है बाकी वैल्यूज जो है वो एज इट इज ठीक है या फिर वैल्यूज बाकी जो वो खाली रखनी है तो उस केस में डाटाबेस को कैसे लगेगा पता कि, कि किस कॉलम के लिए वैल्यू डाली जा रही है तो इसके लिए उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स जो इंजर्ट कमांड का उसका एक और वेरिएंट होता है अवेलेबल जिसको मैं आपको आगे विले आने वाली स्लाइड में बताऊंगा इसमें आपको करना क्या होता है इसमें आपके पास जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से रहता है इंजर्ट इनटू टेबल नेम और उसके बाद कॉलम के नाम भी कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री सोन टू कॉलम एन और उसके बाद वैल्यूज वैल्यू वन वैल्यू टू वैल्यू थ्री सोन टू वैल्यू एन तो इससे आपका डाटा जो है वो खुद लगा लेता है आइडिया कि अगर कॉलम वन पहले लिखा गया है तो उसके हिसाब से वैल्यू वन आएगी कॉलम टू तो वैल्यू टू आएगी मान लीजिए स्टूडेंट उसके अंदर आप जो है नेम का कॉलम पहला बनाते हैं तो नेम के अंदर यहाँ पर एक्स वाई जेड एड्रेस ए बी सी तो जो कॉलम तो आप यहाँ लिखेंगे उसी की वैल्यू को वो उठाएगा इस तरीके से आप स्पेसिफिक कॉलम्स में भी जो है एंट्री वैल्यूज की करवा सकते हैं इसके बाद अगर आगे बात करें हम अपडेट कमांड की इट इज यूज टू अपडेट द डाटा ऑफ एन एग्जिस्टिंग टेबल इन दाटा बेस अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा जो टेबल का है उसमें कुछ चेंजेस करना है उसमें कुछ अपडेशन करना है तो उसके लिए आप जो है अपडेट कमांड का उपयोग करेंगे वी कैन अपडेट सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स यूजिंग अपडेट स्टेटमेंट एज पर अवर रिक्वायरमेंट हम चाहे सिंगल कॉलम को अपडेट करें या फिर सारे के सारे मल्टीपल कॉलम्स को ही अपडेट कर दें तो इसके लिए हमारे पास जो है अपडेट स्टेटमेंट काम में आती है अगर इसके बाद में बात करूं अपडेट जो हमारे पास ये कमांड है तो इसका अपडेट किसको अपडेट करना है, सेट, सेट है, है, करती, करती है वैल्यूज को किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को सेट करने का काम करती है जैसे कि यहाँ लिखा गया है सेट कॉलम वन इज इक्वल टू वैल्यू वन यहाँ कॉलम वन का मतलब है जो आप कोई भी कॉलम का नाम देना चाहते हैं जिसको वैल्यूज को आप सेट करना चाहते हैं और उसकी क्या वैल्यू है इक्वल टू वैल्यू वन वैसे कॉलम टू इक्वल टू वैल्यू टू वेयर यहाँ पर एक कंडीशन लगाने के लिए वेयर क्लॉज यूज करते हैं कि जब आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर ही वैल्यू सेट होनी है तो आप वहां पर वेयर क्लॉज भी लगाते हैं तो अपडेट सेट और वेयर ये तीनों की वर्ड है जो कि आपको यूज में लाने हैं अपडेट कमांड को उपयोग करते हुए आगे अगर हम बात करें डिलीट कमांड जो डिलीट कमांड है वो यूज में आती है किस काम के लिए टू तो डिलीट द रिकॉर्ड फ्रॉम ए डाटा बेस टेबल आपने अपने डाटाबेस के टेबल या फिर टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप उसके लिए डिलीट कमांड का उपयोग में लाते हैं सेंटेक्स रहता है डिलीट का डिलीट कीवर्ड लिखेंगे सिंपली और उसके बाद फ्रॉम किससे डिलीट करना है उस टेबल का नाम और साथ में वेयर कंडीशन वेयर क्लॉज लगा कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे कि किस कंडीशन के अंडर जो है डिलीशन पॉसिबल होगा तो इस तरह से आप चीजों को या अपने डाटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं या फिर टेबल का जो रिकॉर्ड है उसको डिलीट कर सकते हैं इसके बाद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली किस काम आती है दिस एसक्यूएल कमांड्स आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स ये एसक्यूएल कमांड जो हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स को डाटा बेस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है आपके जैसे जो डाटा बेस का टेबल है या फिर डाटा बेस जो आपका कंप्लीट डाटा बेस खुद ही है अगर वो बाई चांस डिलीट हो जाए या उसमें से कोई टेबल ड्रॉप हो जाए या कुछ चीज़ें अपने आप ही अपडेट हो जाए कोई और यूजर जो है जो आपका यूजर आई पासवर्ड जानता है तो उसको अपडेट कर देगा तो उसके लिए आपको बेसिकली सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है स्किल कमांड्स की हेल्प से ताकि आपकी परमिशन के बिना आपके परमिशन के बिना कोई भी अथॉरिटी ग्रांट नहीं की जाएगी कि किसी को अगर किसी को अथॉरिटी ग्रांट कर दी गई है कुछ भी चीज़ें अमेंड करने की तो उसको जो है रिवोक करने का काम भी जो है ये डाटा कंट्रोल लैंग्वेज करती है तो आप समझ ही गए होंगे कि आगे आने वाले जो एग्जाम्पल्स हैं डी के वो कौन कौन से रहेंगे वो बेसिकली आपको जो कम, ये कमांड्स हैं वो राइट्स प्रोवाइड करते हैं परमिशन प्रोवाइड करते हैं और कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं डाटा के सिस्टम के ऊपर तो इनमें जो बेसिकली जो दो कमांड्स आती हैं वो आती हैं ग्रांट और रिवूक ग्रांट जो कमांड है डीसीएल के अंदर वो बेसिकली अथॉरिटी ग्रांट करती है परमिशन ग्रांट करती है कि कौन सा यूजर क्या काम कर सकता है क्या नहीं कर सकता है और वैसे अगर किसी के यूजर को परमिशन मिल गई है और आपको लगता है कि नहीं उसको परमिशन नहीं देनी तो आप उसकी परमिशन को रिवोक कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं उसको हटा सकते हैं तो ये दो प्रकार के कमांड आपने वाले लेक्चर्स में अपने स्लाइड्स में पढ़ेंगे तो ग्रांट और रिवोक के बारे में जान लेते हैं जो ग्रांट कमांड है इट गिव्स यूजर्स एक्सेस प्रिवलेजेस टू डाटा यूजर को एक्सेस प्रिविलेज प्रोवाइड करता है डाटा को एक्सेस करने के लिए कौन सी कमांड प्रोवाइड करती है ग्रांट कमांड इस कमांड की हेल्प से कोई भी जो डाटा का यूजर है वो जो मेन यूजर है वो बेसिकली बाकी अदर यूजर्स को भी जो है प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकता है डाटा को एक्सेस करने की जैसे कि फिर उसके अंदर वेरियस परमिशन आएंगी चाहे आप ड्रॉप है कि वो कौन सा यूजर डाटा को ड्रॉप कर सकता है कौन सा नहीं कर सकता है कौन सा डाटा को अपडेट कर सकता है कौन सा नहीं कर सकता है वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें जो परमिशन हैं बेसिकली ये ग्रांट कमांड के लफ से ऑथराइज की जाती हैं अदर यूजर्स को रिवोक कमांड क्या करती है? इट द यूजर एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड अगर ग्रांट कमांड के हेल्प से आपने किसी यूजर को एक्सेस प्रज प्रोवाइड की है तो रिवोक कमांड जो है वो विद्रॉ कर लेती है आपके प्रोवाइड किए गए एक्सेस को तो ये दोनों कमांड जो हैं चलती है दूसरे के पैरल चलते हैं आप पहले आप परमिशन ग्रांट करते हैं फिर परमिशन को रिवोक भी कर सकते हैं वो आपकी अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है साथ में ही सिंटेक्स ऑफ ग्रांट कमांड की अगर हम बात करें तो उसमें ग्रांट प्रिविलेज नेम लिखा जाता है पहले ग्रांट की वर्ड लिखेंगे और बाद में प्रिविलेज का नाम आप कौन सी परमिशन देना चाहते हैं उस परमिशन का नाम उस प्रिविलेज का नाम अगर आप सारी ही परमिशन देना चाहते हैं तो आप ऑल लिखेंगे ए डबल एल और अगर आप स्पेसिफिक एक या दो ही देना चाहते हैं आप इसमें कोई एक या दो जैसे कि आप ड्रॉप ड्रॉप की परमिशन हैं तो लिखेंगे ग्रांट तो इस तरह से आप जो है उस प्रिविलेज का नाम मैं कर सकते हैं उसके बाद ऑन किस पर वो परमिशन देनी है उस ऑब्जेक्ट का नाम तो बेसिकली वो जो डाटाबेस का नाम है उसका वो यहाँ पर नाम मेंशन होगा और उसके बाद टू किस यूजर को परमिशन देनी है किस यूजर को एक्सेस प्रोवाइड्स करने हैं तो वो जो है उस यूजर का नाम जो है वो आप बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे तो इस तरीके से आप जो है परमिशन ग्रांट करने का काम करते हैं इसके अलावा अगर हम रिवोक कमांड की बात करें तो उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से रहता है जिसमें रिवोक की वर्ड यूज किया जाता है साथ में प्रिविलेज नेम लिखा जाता है और इसके अलावा ऑन कीवर्ड के साथ ऑब्जेक्ट नेम लिखा जाता है और बाद में फ्रॉम लगाया जाता है और उसके साथ जो है पर्टिकुलर यूजर का नाम जो है वो यहाँ पर लिखा जाता है जैसे कि सपोज कीजिए अगर मैं रिवोक करना चाहता हूँ तो लिखूंगा रिवोक ड्रॉप ड्रॉप आएगा यहां पे इसकी जगह और ऑन स्टूडेंट क्योंकि बेस का नाम टेबल का नाम स्टूडेंट है पर फ्रॉम किस यूजर से तो यहाँ पर राकेश राजेश कुछ भी लिख सकता हूँ तो इस प्रकार से आप जो है रिवोक कमांड का सिंटेक्स भी एक्सेस कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रिवलेज को डिनाई uh, करने के लिए यूजर से स्नेच करने के लिए ये आप पर डिपेंड करता है डीएमएल और डीसीएल के कंसेप्ट को थेटिकली समझने के बाद अब हम आगे स्टडी करेंगे हैंड्स ऑन विद डीएमएल एंड डीसीएल अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ को आगे बढ़ेंगे जिसमें हम ये पाएंगे कि uh, किस प्रकार से जो कमांड्स अभी मैंने स्टडी की हैं डीएमएल की कमांड्स हैं डीसीएल की कमांड्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं तो आइए स्टडी करते हैं ऑन पी एच पी माई एडमिन अगर हम पी एच पी माई एडमिन की बात करें तो लोकल होस्ट पे आपको ये सर्वर जो है वो मिलता है पीएचपी माई एडमिन का इसमें आप जो है अपना डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और चाहे आप उसमें कोई एस्किल की कमांड्स हैं जैसे कि यहाँ आप पर आप आपको दिख रहा है आप एस्किल कमांड्स को प्रोसेस करके डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं विभिन्न डिफरेंट प्रकार की जो कमांड्स हैं उनको जो है आप उसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं तो आपकी सुविधा के लिए ऑलरेडी आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे जो है डाटाबेस के नाम दिख रहे हैं मैंने पहले से स्टूडेंट डाटाबेस यहाँ पर बना रखा है जो कि आपको पिछले लेक्चर में बनाया गया होगा अगर आप इसमें थोड़ा ध्यान से इसको देखें तो स्टूडेंट बेस पे क्लिक करने पर जो है आपके पास डिफरेंट प्रोज एंड कॉलम्स जो है वो आपको सामने दिखाई देंगे अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ स्टूडेंट डाटाबेस के तो इसमें जो है स्टूडेंट और के अंदर ही स्टूडेंट नाम का एक टेबल भी क्रिएट किया गया है जिसमें जो कॉलम्स के नाम है आपको यहाँ दिख रहे होंगे रोल नंबर है नेम एड्रेस फोन नंबर एज वगैरह वगैरह और कुछ जो यहाँ पर है आपके एंट्रीज भी कर रखी हैं वैल्यूज इन्जर्ट करवाई गई हैं पहले से आपको वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नॉर्मली जो काम होता है वैसे एसक्यूएल के डी या डी या डीसीएल कमांड्स के थ्रू वो बेसिकली ये पर ये जो टेबल आपके सामने दिखाई दे रहा है इसी को वो जनरेट करती हैं और बाद में यही डाटा है फर्दर वेबसाइट्स के अंदर या कुछ और प्रकार के प्रोसेसिंग के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है तो हम वन बाय वन स्टडी करेंगे सारी कमांड्स को कि किस तरह से कमांड्स काम करती हैं। तो एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने के लिए हमें पहले एसक्यूएल पे क्लिक करना होता है पी एच एडमिन के अंदर और इसके बाद जो है आप यहाँ पर कोई भी क्वा जो है रन करवा सकते हैं फॉर एक्जाम्पल क्रिएट टेबल कमांड तो आपने डी में पहले पढ़ रखी होगी उसी के अनुसार जो मैंने यहाँ पर जो है ये कॉलम्स जो आपको यहाँ भी दिख रहे हैं ये कॉलम्स टेबल में ऑलरेडी क्रिएटेड है आपने पहले भी देखा भी इसको तो अब मैं क्या करूंगा अब मैं सबसे पहले जो डी एम एल कमांड है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो कमांड है उसमें सबसे पहले मैं इन्जर्ट इन कमांड जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करूंगा तो, तो यहाँ पर अभी हमने राकेश नाम जो है एंटर कर दिया है एड्रेस में ए बी सी डी मैंशन कर दिया है आगे फोन नंबर है तो फोन नंबर जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ जैसे सेवन जीरो जीरो फाइव फोर सिक्स तो ये नंबर मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया आगे कॉमा करके एज में मेंशन करने जा रहा हूँ जिस हिसाब से हमारे कॉलम्स हैं उस हिसाब से हमने वैल्यू जो है पर एंटर कर दी हैं अब इसके बाद जो है मैं इस पे गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है वन रो इन्जर्टेड का मैसेज आपके पास आ रहा है इसका मतलब है कि ये रो जो है एक्स्ट्रा इंजर्ट हो गई है और इसकी वैल्यूज जो रोज की थी वो ये हमारे पास सामने है अब मैं एक बार आपको चेक करवा देता दू कि कहाँ पर इंजर्ट हुआ जहां पर हमने ये स्टूडेंट नाम का टेबल बना रखा है वहीं आपको इसका स्ट्रक्चर दिख जाएगा मैं आपको यहाँ दिखा दू स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर है पूरा इस डाटाबेस के टेबल का देखिए यहाँ पर राकेश नाम है हंड्रेड रोल नंबर आ गया है राकेश नाम है ए बी सी डी एड्रेस है फोन नंबर भी आ गया है और ट्वेंटी एज भी मैंशन हो गई है तो इस तरीके से आप जो है किसी टेबल के अंदर रोज की वैल्यू को इंजर्ट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में आप इस, इस तरीके से एंट्रीज कर रहे हैं जबकि अदर सॉफ्टवेयर है और एक्ल है या कोई और सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा तो आप उसमें जो है कुछ और तरीके से एंट्री करेंगे पर लेकिन सिंटेक्स जो है वो सेम रहता है जैसा हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सिंटेक्स वैसा सिंटेक्स आपको दूसरे प्रकार के डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करने को मिलेगा थोड़ा सा इसका जो फ्रंट का पोर्शन होता है फ्रंट का जो uh, वेब पेज आपको दिखाई देता है या फिर आपको जो एक फ्रंट एंड दिखता है सॉफ्टवेयर के यूजेज का वो कुछ हल्का सा डिफरेंट होता है अदरवाइज जो है आपका जो तरीका है काम करने का वो किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में सेम ही रहता है तो चाहे पी एच पी माई एडमिन हो चाहे और एक्कल हो चाहे एसक्यूएल का कोई और सॉफ्टवेयर हो आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में सेम ही सिंटेक्स और सेम ही तरीके से काम करेंगे हल्का सा उसमें फ्रंट एंड का लुक्स का थोड़ा फर्क होता है थोड़ा सा विजुलेशन का फर्क होता है बाकी सिंटेक्स पोर्शन जो है जो उसका यूज करने का तरीका है प्रोसेसिंग का तरीका है वो सेम ही रहता है तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया कि रिजल्ट इनटू कमांड में जो है इस तरह से एंट्री की जाती है अब एक और चीज है इसके बाद स्पेसिफिक कॉलम्स में एंट्री करने का हमने इंसर्ट इनटू में पढ़ा था कि इंसर्ट इनटू स्पेसिफिक कॉलम्स तो इंसर्ट इनटू कमांड का जो दूसरा वेरिएंट है वो मैं आपको दिखा देता हूं रन करके इंसर्ट इनटू किसमें करेंगे इंसर्ट स्टूडेंट में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट सिंटेक्स था लेकिन जो सेकंड वेरिएंट है का वो आपको मैंने यहाँ पर बताया था इन टेबल नेम और कॉलम वन कॉलम टू कॉलम्स को स्पेसिफाई किया जाएगा फिर वैल्यूज को स्पेसिफाई किया जाएगा तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है पहले कॉलम स्पेसिफाई करूंगा तो कॉलम्स को स्पेसिफाई करने के लिए जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रोल नंबर की ही बात की जाए तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रोल नंबर और उसके बाद रोल नंबर तुम्हारे पास आ गया रोल नंबर के आगे जो है आप कॉमा लगाएंगे अगला जो आपके पास मान लेते हैं कि मैंने एज के ऊपर जो है वो एंटर करना है वैल्यू को और बाकी जगह पे नहीं करना रोल नंबर और एज आए, बाकी ब्लैंक रहे तो स्पेसिफिक कॉलम्स में एंट्री करने जा रहा हूं तो इसके लिए जो है मेरे पास ब्रैकेट को क्लोज करके और उसके बाद स्कोर ब्रैकेट को भी क्लोज करके और उसके बाद जो है मैं वैल्यूज लिखूंगा जो कि मुझे एंटर करवानी है वैल्यूज लिखती है वैल्यूज लिखने के बाद जो है ब्रैकेट स्टार्ट और अब रोल नंबर की वैल्यू मान लेते हैं वन जीरो वन कॉमा एज की वैल्यू कितनी आएगी एज की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आएगी जैसे कि ट्वेंटी फाइव और इसके बाद वैल्यूज को मैं क्लोज करूंगा तो इस तरह से मेरे पास जो है ये स्टेटमेंट uh, जो है अवेलेबल रहती है अब इसके बाद थोड़ा हमें चेक ये करना है कि जो वैल्यूज हैं और जो हमारे पास कॉर्न स्पेसिफाई किए हैं उसमें कोई एरर तो नहीं है तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें जो है हमारे को देखने को ये मिल रहा है कि जो रोल नंबर है और जो वैल्यूज हैं इनके लिए जो सिंटेक्टिकल पोर्शन है उसमें हमें करना क्या है इस तरीके से हमने वैल्यू को स्टार्ट किया और ऐसे जो ब्रैकेट है वो यहां पर नहीं लगेगी उसके बिना ही आपने पहले जो है कॉलम्स को स्पेसिफाई कर देना है जैसे कि आपको ऐसा दिखाई दे जैसे कॉलम्स के नाम लिखे फिर वैल्यूज को आपने यहाँ पर दिखाया तो वैल्यूज वन जीरो वन ट्वेंटी फाइव ठीक है इस तरीके से आप जो है अपनी वैल्यूज को रन कर सकते हैं और आप देखिए जरा आपके पास ये यह यहाँ पर इसकी एंट्री जो भी फिर से हो जाएगी जिसमें सिर्फ सिर्फ दो ही कॉलम है और ये दो ही वैल्यूज हैं अब इसको चेक करते हैं कि एंट्री हुई या नहीं हुई है तो यहाँ आपको जो है टेबल के स्ट्रक्चर में वैल्यू दिखाई देगी देखिए बीच में नल 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 लगे बिकॉज इसमें कोई वैल्यू आपने एंटर नहीं की थी और यहाँ पर रोल नंबर वन जीरो वन और एज जो है वो ट्वेंटी फाइव तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट इनटू कमांड्स के दोनों वेरिएंट्स को यूज में ला सकते हैं आगे हमारे पास अगला जो स्क्यूल में क्वारी यूज करने के लिए है वो है अपडेट कमांड अभी जो अपडेट कमांड है किस तरह से काम करती है वो मैंने आपको सिंटेक्स में पहले बताया था और अभी भी हम इसको देख लेंगे कि किस तरीके से अपडेट कमांड जो है वो हमें हेल्प करेगी जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं अपडेट ओके अपडेट करना है तो अपडेट कमांड के लिए पहला कीवर्ड अपडेट ही था अपडेट किसको अपडेट करना है किस टेबल को अपडेट करना है स्टूडेंट टेबल को यानी कि स्टूडेंट डाटा को अपडेट करना है और उसके बाद स्टूडेंट टेबल के अंदर कौन से कॉलम को अपडेट करना है उसके हिसाब से जैसे कि मैंने आपको सिंटेक्स में बताया था कि पहले स्टूडेंट इसमें टेबल का नाम आ गया उसके बाद सेट कीवर्ड यूज में लाया जाता है सेट किसको सेट करें किस वैल्यू को चेंज करें लेते हैं नेम वैल्यू को चेंज करना है तो नेम To, मान लेते हैं कि नाम जो है वो है अभी हमने रिसेंटली जो नाम एंटर किया था अगर आपको याद हो तो नाम में हमने जो है वो पीछे इसमें चेक किया था कि रजनीश नाम से भी एक वैल्यू एंटर थी और वेयर एज वेरिएबल जो है एक कंडीशन लगा रहे हैं कि कहाँ पर ये एंट्री की जाए नाम कहाँ कहाँ बदला जाए सेट कहाँ कहाँ किया जाए जहाँ पर एज जो है वो बराबर है ट्वेंटी फाइव अब रिसेंटली हमने एज जो है वो ट्वेंटी फाइव मैंशन की थी लास्ट कॉलम जिसमें नल नल वैल्यूज आ रही थी ठीक है तो मैं ये चाहता हूँ कि जो एज का कॉलम है जहां पर एज की वैल्यू ट्वेंटी फाइव है उन सारे कॉलम्स में नेम की वैल्यू जो है वो रजनीश सेट हो जाए तो एक ऐसे पॉसिबल होगा इस क्वेरी से आइए देखते हैं इस क्वेरी से एक ऐसे काम होता है मैं इसके बाद गो पे क्लिक करता हूँ तो क्वेरी को रन कर रहा है तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर अब चेक करते हैं अपने टेबल का ये रहा यहां पे टेबल का स्ट्रक्चर तो इसमें देखिए यहां पर 25 वेज ग्रुप में जो है रजनीश नाम जो है वो चेंज हो गया है अभी आपको मैं एक और दिखा देता हूँ जैसे यहाँ पर ये यह टेबल है यहाँ पर एज थर्टी है और नाम जो है वो रजनीश है बाकी कहीं थर्टी नहीं है ठीक है अब मैं दोबारा से क्वेरी को यूज करके अपडेट क्वेरी को यूज करके अपडेट कमांड को यूज करके एज थर्टी मान के चलूंगा और जहां पर थर्टी एज हो वहां पर नाम बदलकर राकेश हो जाए जैसे रजनीश पर राकेश होना चाहिए मैं ऐसा चाहता हूँ तो ये कैसे करवाऊंगा एसक्यूएल में जाके जो क्वेरी लगानी है उसको मैं पहले अपडेट कमांड से यहां पर यूज माना है अपडेट मैंने लगा दिया अपडेट के बाद स्टूडेंट टेबल नेम स्टूडेंट सा और उसके बाद सेट किसको सेट करना है नेम को सेट करना है तो नेम लगा दिया नेम को क्या लिखना है मैंने मतलब चेंज किस में करवाना है राकेश नाम में अब रजनीश ने यहाँ पे मैं राकेश में एंटर कर रहा हूँ सेट करजिए नाम राकेश लेकिन कहाँ सेट कीजिए जहां पर वेयर एज इज इक्वल टू थर्टी एज कितनी हो थर्टी हो तो मैं इसके बाद गो पे क्लिक कर देता हूँ तो क्वेरी फिर एग्जीक्यूट होगी और जैसे ही क्वेरी एग्जीक्यूट होती है वन रो अफेक्टेड यहाँ पर दिख रहा है आपको सामने और फिर मैं इसके बाद जो है टेबल को चेक करना चाहता हूँ तो टेबल चेक करने के लिए जो है हमें यहाँ जाना पड़ेगा टेबल स्ट्रक्चर चेक करते हैं इसमें जो है हमारे कोई दिखेगा फर्स्ट क्वेरी आप खुद यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमने अभी रिजल्ट यहाँ चेक किया है तीस एज के हिसाब से जो है यहाँ पर राकेश चेंज हो गया पहले यहां पर क्या था रजनीश था लेकिन अब क्या आ गया राकेश तो इस प्रकार से हम अपने जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट भी कर सकते हैं किसी फील्ड को, को भी रिकॉर्ड है उसको हम अपडेट कर सकते हैं और यही अपडेट कमांड का सिंटेक्स अभी हमने पहले पढ़ा था अब इसके बाद जो है हमारे पास अगला जो पार्ट रहता है अपडेट के बाद अगर अपडेट के बाद हमने जो स्टडी किया था उसका डिलीट कमांड डिलीट कमांड का सिंटेक्स आपके सामने है कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन यानी कि अगर टेबल से कुछ डिलीट करना है तो हम उसको कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी आपको प्रैक्टिकली हम यहाँ पर दिखा देंगे जैसा कि यहाँ पर आपके सामने क्वेरी लिखी है मैंने डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सिंटेक्स अगर आप देखें तो सिंटेक्स में था डिलीट फ्रॉम टेबल नेम टेबल नेम की जगह क्या लिखा आ रहा है स्टूडेंट और वेयर कंडीशन तो वही चीज यहाँ पर है कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट टेबल यानी कि स्टूडेंट नाम मैंने मैंशन कर दिया है और उसके बाद वेयर एज इज इक्वल टू थर्टी यानी कि जहां पर भी एज तीस दिखाई दे उस रिकॉर्ड को जो है स्टूडेंट टेबल से डिलीट कर दिया जाए अब इस क्वेरी को मैं लिखने के बाद इसको गो कर देता हूं तो डू यू रियली वांट क्योंकि डिलीट करना जो है एक तरह से आपको वार्निंग जारी कर रहा है कि क्या वाकई में डिलीट करना चाहते हैं आप तो मैं आप पर ओके कर देता हूँ तो इसके बाद जो है आपको आपका रिकॉर्ड डिलीटेड दिखा देगा वन रो अफेक्टेड बता रहा है अब आइए फिर से चेक करते हैं रिकॉर्ड को अब आपको याद होगा कि तीस एज के लिए राकेश नाम हमने रिसेंटली चेंज किया था तो अभी जो है वो तीस एज आपको दिखेगी नहीं कहीं यहाँ रिकॉर्ड में बिकॉज तीस एज का जो रिकॉर्ड है वो अभी हमने क्वारी लगाई है कि वो जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए वो रो डिलीट हो जाए तो तीस एज वाली जो रो है वो डिलीट हो चुकी है जहां पर अभी राकेश नाम मेंशन था थोड़ी देर पहले वो सारा रिकॉर्ड जो डिलीट हो चुका है बिकॉज अभी हमने क्वेरी लगाई है डिलीट करने के लिए रोज को तो इस प्रकार से हम रोज या रिकॉर्ड रो, को डिलीट भी कर सकते हैं तो ये कुछ एक बेसिक कमांड्स हैं डीएमएल के अंडर और इसके बाद एक और कमांड हमारे पास बचती है डीएमएल की वो है सिलेक्ट नेक्स्ट हमारे पास रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए जो है वो सिलेक्ट कमांड काम में लाई जाती है सिलेक्ट कमांड जो ऑलरेडी क्रिएटेड क्रिएटेडेस है टेबल्स क्रिएटेड ऑलरेडी जो है हमारे पास उसमें से कोई रिकॉर्ड आपने फेच करना है रिकॉर्ड रिट्रीव करना है तो उसके लिए आपको जो है सिलेक्ट कमांड हेल्प करती है अब ये सिलेक्ट जो है एज ए क्वेरी कैसे वर्क करता है उसका सिंटेक्स आपने पहले देखा होगा मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ सिलेक्ट का जो सिंटेक्स है उसमें आप करते क्या है सिलेक्ट लिखते हैं उसके बाद कॉलम वन कॉलम टू के कॉलम्स के नाम लिखते हैं जिन कॉलम्स को सिलेक्ट आपने करना है फैच आपने करना है उसके बाद फ्रॉम किस टेबल से फैच करने हैं तो फ्रॉम के साथ उस टेबल का नाम लिखा जाता है और साथ में सेमी कॉलम लगाया जाता है तो आइए हम क्वारियन पर लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा एड्रेस ये दो कॉलम्स मुझे चाहिए मान लेते हैं लेकिन किससे चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट तो मैंने लिख दिया सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ठीक है तो इसको लगाने के बाद अब आइए आगे देखते हैं सेमी कॉलम लगा दिया मैंने इसके बाद देखते हैं कि कैसे क्वाई रन करती है तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है देखिए रिजल्ट में रोल नंबर और एड्रेस Okay, मैंने क्वेरी क्या लगाई है सिलेक्ट रोल नंबर और एड्रेस जितने भी मेरे पास थे, हमारे टेबल के अंदर वो सारे दिख रहे हैं अब मैं चेंज करूंगा कि मैं चाहता हूँ की वैल्यू दिखाई दे जिन रोल नंबर की वैल्यू जो है वो हंड्रेड से ज्यादा है या हंड्रेड है या फिर ट्वेल्थ से ज्यादा है मान लेते हैं क्योंकि रोल नंबर एक बारह सौ एक सौ एक, एक है तो अब मैं ऐसा करूंगा कि मैं वो रिकॉर्ड चाहता हूं जो कि जिसमें रोल नंबर की वैल्यू 12 से ज्यादा हो केवल वही रिकॉर्ड दिखाई दे तो वो कंडीशन कैसे लगाई जाएगी उसके लिए जो है मुझे फिर से क्वारी लगाने पड़ेगी सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा एड्रेस फ्रॉम किससे स्टूडेंट वेयर अब कंडीशन को स्पेसिफाई करना है इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा वेयर क्लॉज लगा रहा हूं यहां पे वेयर जो रोल नंबर है वो किससे ज्यादा हो ग्रेटर देन फिफ्टीन हो और उसके बाद मैं क्वेरी को क्लोज कर रहा हूं तो अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट दिखाता है तो अब मेरे पास सिर्फ दो ही वैल्यूज आई बिकॉज पिछले दो और बारह रोल नंबर हट गया और उसका रिकॉर्ड जो रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड था वो भी साइड हो गया तो मेरे पास सौ एक सौ एक वैल्यू यहाँ पर सामने आ रही है इस रोल नंबर और एड्रेस के कॉलम्स के हिसाब से तो इस प्रकार से आप जो सिलेक्ट कमांड है क्वेरी है आप उसको जो है यूज कर सकते हैं रिकॉर्ड को फैच करने के लिए कंडीशन के बेस पर भी रिकॉर्ड को फैच कर सकते हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारा का सारा रिकॉर्ड ही देखना है सारा का सारा टेबल ही व्यू करना है तो मेरे पास उसका तरीका रहता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम किस टेबल से पूरा रिकॉर्ड देखना है स्टूडेंट टेबल से. तो सिंपल जब भी आपने सारा का रिकॉर्ड सारे टेबल्स के सारे रोज एंड कॉलम्स देखने हैं तो आप स्टार सिंपली लगाते हैं के साथ और अब देखिए मैं इसको रन करता हूँ तो इसमें जो है आपको सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो दिखाई देता है एज इट इज जो कि आपका टेबल में ऑलरेडी क्रिएटेड था तो इस प्रकार से आप जो है सिलेक्ट कमांड का यूज भी कर सकते हैं इसके बाद जो अगला हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन रहता है वो है डीसीएल कमांड्स का डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर कमांड्स की ग्रांट एंड रिवोक अब आपको सिंटेक्स में ग्रांट का एक बार पहले दिखा देता हूं जो ग्रांट हमारे पास कमांड थी उसका सिंटेक्स हमारे पास था कुछ इस तरह से ग्रांट प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम टू यूजर नेम या फिर पब्लिक रोल नेम तो इसमें आप ग्रांट की वर्ड यूज करते हैं प्रिविलेज यानी कि असेसिबिलिटी ग्रांट करने के लिए कि, कि किसी यूजर के पास क्या क्या परमिशन रहे क्या क्या वो काम कर सकता है उन परमिशंस का नाम यहाँ पर मेंशन किया जाता है ऑन

को परमिशंस या फिर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कोई दिक्कत ना आए तो मेरे पास यूजर्स हैं रजनीश है आर टी आर टी है राकेश है और एक रजनीश नाम से एक यूजर और है जिसका रोल नंबर डिफरेंट है तो यहाँ पर आर टी आर टी यूजर जो है या राकेश यूजर जो है हम क्या करेंगे अभी राकेश नाम के यूजर पर जो है उसको आ, आ, राइट्स प्रोवाइड करेंगे परमिशन प्रोवाइड करेंगे उसको परमिशन ग्रांट करेंगे, करेंगे तो ग्राम देखते हैं ग्रांट कमांड राकेश यूजर के लिए कैसे हेल्पफुल यहाँ पर रहती है कैसे कैसे परमिशन प्रोवाइड होती हैं तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा ग्रांट में मैं लिख रहा हूं drop, उस परमिशन का नाम जो कि मुझे प्रोवाइड करनी है तो मैं drop permission जो इसको प्रोवाइड करने जा रहा हूं तो ग्रांट ड्रॉप किसको प्रोवाइड करनी है वो इंटेक्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूं ऑन पहले इसमें आएगा ऑन यानी कि किस टेबल किस डाटाबेस की इसमें बात हो रही वो यहां पर लिखा जाएगा ऑन तो ये है स्टूडेंट नाम से तो मैं स्टूडेंट यहां लिख रहा हूं और उसके बाद टू किस यूजर को ये परमिशन प्रोवाइड होनी है तो मैं यहां पर उसका नाम मेंशन कर रहा हूं टू राकेश तो मैंने यहां पर ही मेंशन कर दिया तो अब देखते हैं कि क्या ये परमिशंस उसको ग्रांट होती हैं या नहीं होती हैं तो यहां पर जो है आपको इस चीज को चेक करने के लिए प्रिविलेज ऑप्शन में जाना पड़ेगा क्योंकि में अलग से चीज़ दिखाई देती है है तो तो अगर इसमें आप देखें तो राकेश जो यूज़र उसको ड्रॉप प्रिविलेज मिली हुई है आप यहां देखें प्रिविलेज का नाम और ड्रॉप जो भी हमने लगाई यहाँ पे ठीक है और आप चाहें तो इसको परमिशन डायरेक्ट भी पीएचवी माइडमिन में देख सकते हैं वो आपको मिलेंगे ऑप्शन पर जाके जहां पर आपको सारी परमिशन अगर आप यहाँ टिक भी लगा देते हैं और गो पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कमांड अपने आप बन जाती है एसक्यूएल क्वेरी अपने आप बन जाती है तो अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो आप जो है सिंपली जो है अपना ये जो एसक्यूएल का जो प्रिविलेज का काम है इसको बाय यूजिंग कमांड भी आप इसको कर सकते हैं प्रिविलेज ग्रांट करने से पहले हमें यूजर को क्रिएट भी करना होता है वैसे तो यूजर आपको बना बनाया मिल भी जाता है लेकिन आप चाहें तो यूजर को खुद भी क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है कमांड रहती है क्रिएट यूजर कमांड वो भी मैं आपको भी सामने यहाँ पर दिखाऊंगा जैसे कि क्रिएट यूजर और उस पर्टिकुलर यूजर का नाम जैसे कि मैं यहाँ पर मैंशन करता हूं यूजर नाम से ही और अगर आप उसके लिए कोई पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे आइडेंटिफाइड बाय जो पासवर्ड आप देना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको एबीसी मेंशन कर दिया तो आप इस तरीके से जो है यूजर क्रिएट कर सकते हैं और इसके बाद जो है आपको जब प्रिविलेज प्रोवाइड करनी है किसी यूजर को जैसे कि अगर आप ग्रांट ड्रॉप ड्रॉप की प्रिविलेज ग्रांट कर रहे हैं ऑन किस पे स्टूडेंट टू किस यूजर को ग्रांट हो रही है यूजर नाम से जब हमने यूजर एक क्रिएट किया तो इस तरीके से भी आप परमिशन ग्रांट करने के लिए यूजर को क्रिएट कर सकते हैं और परमिशन ग्रांट कर सकते हैं तो जैसे मैं ये चीज करता हूं तो इसके बाद जो है मेरा यहाँ पर यह रिजल्ट जो है सेट हो जाता है अब अगर मैं डाटाबेस टेबल को चेक कर लेता हूँ एक बार पहले तो मेरे पास जो है डिफरेंट प्रकार के कॉलम्स अवेलेबल हैं जिसमें नाम अवेलेबल है और ये चार कॉलम मेरे को हेल्प कर रहे हैं डाटा को जो मैंने बनाया है उसमें जो भी रिजल्ट सामने आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग जो है क्वेरीज लगाई जा रही हैं और रिजल्ट हमारे पास सामने दिख रहा है अब अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ प्रिवलेज सेक्शन में तो मेरे पास जो है यूजर जो मैंने क्रिएट किया अपने आप से उसमें ड्रॉप कमांड की फैसिलिटी जो है मैंने अलग से प्रिवलेज जो है यूजर को प्रोवाइड कर दी है तो इस प्रकार से आप चाहें तो प्रिवलेज डायरेक्टली कॉलम नाम के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को दे सकते हैं या फिर आप चाहें तो खुद यूजर क्रिएट करके जो है प्रिविलेज प्रोवाइड कर सकते हैं अब अगर मैं चाहता हूं कि जी यूजर को मैंने प्रिविलेज प्रोवाइड की ड्रॉप की मैं इसको रिवोक कर दूं तो उसके लिए फिर से मुझे जो है एसक्यूएल क्वेरी लगाने पड़ेगी और कौन सी क्वेरी लगानी पड़ेगी यहाँ पे रिवोक तो मैं रिवोक करने जा रहा हूं कौन सी परमिशन ड्रॉप परमिशन जो मैंने दी थी और उसके आगे किस डाटाबेस स्टूडेंट नाम के डाटाबेस पे और किससे पावर स्नेश करनी है किससे करनी है यूजर से तो आइए देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या रहता है अब इसके बाद मैं सेक्शन में जाता हूं। तो मेरे पास जो पर्टिकुलर यूजर का नाम है वही यहाँ से चला गया है बिकॉज जब उसके पास कोई प्रिवलेज ही नहीं है तो उस पर्टिकुलर यूजर को जो है हम इस पर क्या मेंशन करेंगे बिकॉज उसके यूजर का कोई काम पर्टिकुलर रहा नहीं है और इसी प्रकार से अगर आप देखें रिवोक अगर मैं चाहूँ करना एबीसी नाम के यूजर को या पीपीपी नाम के यूजर को या रजनीश नाम के यूजर को तो वो भी आपको दिखा देता हूं तो जैसे कि अगर यहां पर फिर से मैं आपको रिवोक का बताऊं तो रिवोक ऑल इसके बाद आएगा आगे ऑन स्टूडेंट फ्रॉम पीपीपी इस नाम से भी यूजर हमारे पास था तो अगर आप प्रिवेलेज सेक्शन में फिर जाए तो आपको पीपीपी -पी -पी नाम भी देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज आपने सारी प्रिवलेज स्नैच कर ली है तो उस यूजर के उसके रहने का कोई बेनिफिट वहाँ पे रहने जाता तो डाटा बेस अपने आप ही इस चीज़ को डिलीट यहाँ से कर देता है अब आप चाहें तो इस सेक्शन में मैंने आपको पहले बताया कि आप कोई प्रिवलेज यहाँ से हटा सकते हैं जैसे कि मैं से ये ड्रॉप पी हटा दू और ये सारी फैसिलिटीज हटा दू तो हमारे पास क्या होगा इसमें गो पे क्लिक करने पर जो है ऑटोमेटिकली जो हमारी ये प्रिवलेजेस हैं जो मिली थी वो यहाँ से हट जाती है तो इस प्रकार से जो है आपको एक अच्छा मीडियम जो है वो देखने को मिल जाता है जिस प्रकार से आप परमिशन ग्रांट करते हैं रिवोक करते हैं या कुछ और फैसिलिटीज आप गेट करते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है आपको ग्रांट और रिवोक के हेल्प से प्रिवेजेस जो हैं वो आप ग्रांट भी कर सकते हैं रिवोक भी कर सकते हैं तो अभी हमने हैंड्स ऑन विथ डी एम एल एंड डी सी एल स्टडी किया जिसमें हमने माई एडमिन पी के हेल्प से जो है डिफरेंट टेस्कअल क्वेरीज को रन किया और आपने देखा कि डी और डी की जो क्वेरीज थी कुछ कमांड्स थी वो कैसे एग्जीक्यूट हो रही थी कैसे रन हो रही थी और किस प्रकार से जो ऑलरेडी क्रिएटेड हमारा टेबल था जिसमें क्रिएट टेबल कमांड के हेल्प से टेबल पहले क्रिएट करवाया गया था उसका रिकॉर्ड कैसे फैच किया गया रिट्रीव किया गया या फिर उसको अपडेट किया गया या डिलीट किया गया उसके ऊपर परमिशंस लगाई गई ग्रांट या रिवोक की हेल्प से परमिशन हटाई गई तो कहीं ना कहीं ये क्वेरीज जो हैं हमारे डाटाबेस मैनेजमेंट करने में बेनिफिशियल है आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वारी रह जाती है तो आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं किस तरह संपर्क कर सकते हैं वो आपको बता दूँ आप अपनी क्वा सजेशन जो है मुझे ई मेल पर भेज सकते हैं जो मेल आई है रजनीश ट्रिपल वन टू थ्री नाइन अल्टरनेटिवली आप अपनी क्वारी जो है इस नंबर पर भी मुझे भेज सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं तो अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको बेस्ट विशेज थैंक यू थैंक यू वेरी मच